हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको हम किसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं, क्या कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होती है। मेनली हम इस वीडियो में 78XX सीरीज, LM317 और ज़ेनर, इन तीन टाइप्स की ICs के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर? वोल्टेज रेगुलेटर इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली मेंटेन अ कॉन्स्टेंट आउटपुट लेवल। दैट मीन्स कि इफ़ वी आर यूजिंग एनी वोल्टेज रेगुलेटर लाइक 7805 फॉर एग्जाम्पल, देन एज वी कैन सी इन द फिगर, वी हैव गिवन द इनपुट विच इज़ वेरिंग फ्रॉम 7.5 टू 35। मीन्स 35 वोल्ट तक का अगर इसमें इनपुट आता है, इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज, ये अपने आउटपुट पर हमें एक फिक्स वोल्टेज ही देगा, यानी 5 वोल्ट ही देगा। बिकॉज ये 7805 है, ये हमें आउटपुट पर 5 वोल्ट डीसी ही देगा। तो इनपुट कितना होना चाहिए इसका? मिनिमम इनपुट एज यू कैन सी इसमें 7.5 दे रखा है, और मैक्सिमम इनपुट इसमें 35 हो सकता है, इसके ऊपर ये ख़राब हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज जो है इसकी, इस आईसी की, ये आप इसकी डेटा शीट डाउनलोड करके देख सकते हो, उसमें दे रखी होती है। आउटपुट 5 वोल्ट इसका फिक्स है, क्योंकि 7805 है, 7808 होता तो ये 8 वोल्ट आउटपुट देता। इसमें कुछ कैपेसिटर्स इस्तेमाल करे गए हैं इनपुट पर और आउटपुट पर। इन कैपेसिटर्स की जो वैल्यू होती है, यू कैन फाइंड इट इन द डेटा शीट, डेटा शीट में इनकी वैल्यूज़ दे रखी होती है। तो ये एक सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है, और इनपुट पर वोल्टेज एक रेंज तक वेरी करेगी, फिर भी ये अपने आउटपुट पर एक फिक्स वैल्यू ही देगा। 78 सीरीज़ के जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, उनको 78XX सीरीज़ भी बोला जाता है। इसमें 7805, 7806, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24, काफ़ी ढेर सारी सीरीज़ आती है। जो आखिरी की दो डिजिट होती हैं, ये डिफाइन करती हैं इसका वोल्टेज लेवल, जो भी आउटपुट पे आएगा। सेम लाइक 78 सीरीज़, देर इज़ ऑल्सो 79 सीरीज़, 79XX, इसमें 7905, 7912, इस तरह के वोल्टेज रेगुलेटर्स आते हैं। चेंज इसमें सिर्फ आउटपुट के वोल्टेज लेवल का हो जाता है, कि 78 सीरीज़ पॉजिटिव वोल्टेज देती है, ये नेगेटिव वोल्टेज देती है। इसके आउटपुट पे 7905 अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इट विल गिव -5 वोल्ट, एंड इफ़ वी आर यूजिंग 7912, देन इट विल गिव -12 वोल्ट एट इट्स आउटपुट। नाउ वी विल सी द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर। एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ इनपुट पास ट्रांजिस्टर एंड देन आउटपुट। द रजिस्टर्स गिवन R1 एंड R2, दीज रजिस्टर्स आर वर्किंग एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, एंड द ओपैम्प इज़ यूज एज अ कॉम्परेटर। सो कॉम्परेटर यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट का वर्क कर रहा है, पास ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये पास ट्रांजिस्टर को ऑन करना और ऑफ करना इस कॉम्परेटर का काम है, और रजिस्टेंस R1 और R2 हमारे फीडबैक का वर्क कर रहे हैं इसमें। अच्छा, जो हम वीन सप्लाई है, सपोज़ कि हम वीन, हमने मान लो कुछ भी वोल्टेज दी, 12 वोल्ट दी, तो ये 12 वोल्ट डायरेक्टली आउटपुट पर नहीं जाएगी, 12 वोल्ट धीरे 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 बढ़ेगी। तो एक रीज़न होगा, जब तक ये आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा। अगर सपोज़ कि हम मान लें कि ये 7805 का एग्जांपल है, और हमको आउटपुट पर 5 वोल्ट चाहिए, तब हम देखते हैं कैसे काम करेगा। कि अगर हमें सपोज़ कि हमने इनपुट दे दिया यहाँ पर 12 वोल्ट हमने इनपुट दिया, और आउटपुट पर हमको चाहिए 5 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ मानेंगे कि जो हमारा कॉम्परेटर है, उस पर इंटरनली वी रेफरेंस पर, यानी जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उस पर जो वी रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई है, वो 2.5 वोल्ट की इंटरनली दे रखी है। और जो R1 और R2 है, ये भी इंटरनली लगे रहते हैं 7805 IC के अंदर, पहले से ही लगे होते हैं। इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि इक्वल है, मतलब मीन्स 10-10 की हमने मान ली है, हो सकता है कोई और वैल्यू भी लगी हो। इस केस में जो हमारा इनपुट है, जब तक 5 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाएगा, हमारा आउटपुट इनपुट को सीधे सीधे फॉलो करेगा। अब जैसे ही हमारा आउटपुट का वोल्टेज 5.1 पहुंचेगा, सेम उस कंडीशन में हमारा R1 और R2 के बीच में, यानी कि जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वहाँ पर जो वोल्टेज आ जाएगी वो 2.55 हो जाएगी, यानी कि 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इस केस में क्या होगा, जो हमारा कॉम्परेटर है, ये अपने आउटपुट पिन पर एक लो सिग्नल देगा, ये लो सिग्नल पास ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा, ऑफ होते ही आउटपुट पर वोल्टेज आनी बंद हो जाएगी।
जैसे ही आउटपुट पर वोल्टेज आनी बंद हो जाएगी, आउटपुट की वोल्टेज गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, और गिरते गिरते जैसे ही ये 4.9 पर पहुंचेगी, हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर वोल्टेज आ जाएगी 2.45। 2.45 मतलब कुछ भी गिर के आए, जैसे ही ये नॉन इन्वर्टिंग के कंपैरिजन में कम होगी, आउटपुट पर तुरंत एक हाई सिग्नल आ जाएगा। हाई सिग्नल आते ही पास ट्रांजिस्टर फिर से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो एक हाई और लो के बीच में स्विच करता रहेगा, और जो वोल्टेज है वो 4.9 और 5.1 के बीच में हमारी स्विंग करती रहेगी। एक तरह का हमें एक रिपल्स यहाँ पे कुछ जनरेट होंगे, जिसको कि हम कैपेसिटर लगा करके हटा सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट डायग्राम, दे हैव यूज्ड सम कैपेसिटर इन द इनपुट एंड आउटपुट। तो जो आउटपुट कैपेसिटर यूज़ किया गया है वो इन्हीं रिपल्स को हटाने के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम एक छोटा सा लाइन डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हम वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि एक फॉलोइंग रीज़न है और दूसरा रीज़न है जिसमें कि ये स्टेबल वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है, रेगुलेटिंग रीज़न है ये, और एक ट्रैकिंग रीज़न है। ट्रैकिंग रीज़न में इसने इनपुट को फॉलो किया आउटपुट में। जितनी भी आईसीज होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो सब अलग अलग पैकेजेस में आती हैं। लाइक आमतौर पर जब भी हम 7805 खरीदते हैं तो हमें TO220 पैकेज में मिलता है। तो जैसे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, या वोल्टेज रेगुलेटर है, या और भी जितनी भी तमाम आईसीज हैं मार्केट में ये अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल होती हैं। लाइक TO3 पैकेज एक है, TO263 पैकेज है, SOT223 पैकेज है। तो जब भी कोई कंपनी ऑर्डर करती है अपनी आईसी या कोई कंपोनेंट, तो साथ में ये भी बताती है कि मुझे किस पैकेज में चाहिए, क्योंकि इसी पैकेज की माउंटिंग के हिसाब से पीसीबी को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये पैकेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग पैकेज में इनपुट, आउटपुट, ग्राउंड, इन सब की पिंस भी अलग अलग हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कंपोनेंट। एज वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम, मैक्सिमम और टिपिकल। टिपिकल 5 वोल्ट है, ये 7805 की हमने डेटा शीट में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली है। तो टिपिकल आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, बट इट कैन गो अप टू 5.2 और इन द डाउनवर्ड कैन गो अप टू 4.8। सो हमें 4.8 से 5.2 के बीच की ही वोल्टेज मिलेगी इसमें। अच्छा, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन क्या होता है इसका, कि जैसे कि हमने पहले देखा कि इसमें इनपुट पे हम 7 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक या 7.5 से 35 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो इसमें लाइन रेगुलेशन में दिया हुआ है कि अगर हम इसको 7 वोल्ट से 25 वोल्ट की रेंज में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो आउटपुट पर वेरिएशन आ सकता है वोल्टेज का, वो 4 मिली वोल्ट से 100 मिली वोल्ट तक का आ सकता है। यानी 5 वोल्ट अगर ये आउटपुट दे रहा है और हमने 25 वोल्ट दे दिया, तो मे बी कि ये 5.04 या 5.1 वोल्ट तक चला जाए। और अगर हम इसको 8 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच की रेंज में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो आउटपुट पर वेरिएशन है वो थोड़ा कम हो रहा है। ये 1.6 से 50 मिली वोल्ट तक का वेरिएशन ये कमेंट करते हैं कि इतना होगा। तो लाइन रेगुलेशन किसी भी आईसी का या वोल्टेज रेगुलेटर के आईसी का ये शो करता है कि इनपुट में चेंजेस जब आएंगे तो आउटपुट कितना वेरी करेगा। ये इसका लाइन रेगुलेशन हो गया, इनपुट लाइन के अकॉर्डिंग कितना आउटपुट में वेरिएशन आएगा। सेम चीज़ होती है लोड रेगुलेशन में बस चेंज इतना होता है कि अब हम इनपुट के बारे में ना बात करके आउटपुट के बारे में बात करते हैं, कि जब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आई आउटपुट मींस करंट, जो इसकी आउटपुट करंट है वो 5 mA से अगर 1.5 mA तक हम इसमें से ड्रॉ करते हैं, यानी लोड हम बढ़ाते हैं, इतना डालते हैं लोड, तो ये 9 mV से 100 mV तक का इसकी आउटपुट वोल्टेज पे ड्रिफ्ट आ सकता है। और अगर हम लोड रखते हैं 250 mA से 750 mA तक, तो इसमें देखा जाए आउटपुट पे जो वेरिएशन है वो कम हो रहा है, वो 4 mV से 50 mV तक का हो रहा है। तो ये दो रेंज इसमें दे रखी हैं। दोनों चीज़ों में एक चीज़ और गौर करने वाली है, जो लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन है, इसमें TJ की वैल्यू दे रखी है, मींस कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर, अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। ये दोनों ही वैल्यूज चेंज हो सकती हैं अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज़ करें या फिर -10 डिग्री पर यूज़ करें। तो ये जो लाइन रेगुलेशन लोड रेगुलेशन है ये चेंज हो सकता है। एक पैरामीटर इसमें और है, क्विशंट करंट। क्विशंट करंट वो करंट होती है जब
कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट हमारा स्लीप मोड में होता है या शट डाउन मोड में होता है या स्टैंड बाई मोड में होता है. लाइक हमने वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, उस पर हमने लोड कनेक्ट किया. लोड जिस समय कनेक्ट है उस समय तो ये ऑन लोड कंडीशन हो गई इसकी, बट हमने अगर लोड के और आईसी के बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा करके लोड को कट कर दिया यानी लोड को ऑफ कर दिया, उस समय आईसी सिर्फ अपनी इंटरनल सर्किटरी को चलाने के लिए कुछ करंट खाएगी. दैट करंट इज कॉल्ड क्विशेंट करंट. सो एट टीजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस क्विशेंट करंट फॉर दिस आईसी इज फ्रॉम 5 mA टू 8 mA, मीन्स ऑल द टाइम इट विल ड्रॉ अप्रॉक्सीमेटली 5 mA. ये हमेशा खाती रहेगी. क्विशेंट करंट में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल में दे रखा है इसमें. ये वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग डिपेंड भी करता है कि इसमें हमने जैसे 7 वोल्ट से 25 वोल्ट में यूज़ किया या उसमें यूज़ किया, कम रेंज में यूज़ किया या ज़्यादा करंट खींची, इस तरह से चेंजेस भी होते हैं इसमें क्विशेंट करंट के बाद. एक इसमें अनदर पैरामीटर इज रिपल रिजेक्शन. रिपल रिजेक्शन मीन्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसमें, जैसे फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़ दे रखी है, तो 120 हर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, यानी कि इनपुट पर जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, लाइक हमने 7 वोल्ट से 25 वोल्ट की बात करी, तो हो सकता है इनपुट पर प्योर डीसी ना आ रही हो, लेकिन डीसी जो आ रही है उसमें कुछ रिपल्स आ रहे हों, है ना, वो रिपल्स 120 हर्ट्ज़ के भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ इसमें आउटपुट पे भी वेरिएशन आएगा. तो वो वेरिएशन जितना कम होगा उतना अच्छा. तो इनपुट पर आने वाले फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है ये दिखाता है उसका रिपल रिजेक्शन कैपेबिलिटी. मींस आउटपुट अगर 5 वोल्ट स्टेबल है बिल्कुल और इनपुट हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 10 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में जा रहा है या कुछ और भी वैल्यू आ जा रही है, लेकिन फिर भी आउटपुट स्टेबल रखा हुआ है इसने, तो इसको माना जाएगा कि इसका रिपल रिजेक्शन बहुत अच्छा है. पीक करंट इसमें दे रखी है सबसे नीचे 2.2 एम्पियर. तो पीक करंट जो हम इसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं वो है 2.2 एम्पियर. लगातार करने पर ये हीटअप भी होती है, उसके लिए इसमें हीट सिंक पहले से एक छोटा सा लगा होता है लेकिन अलग से और लगा लिया जाता है. अभी तक जो हमने बात करी 7805 या 78XX सीरीज़ की, ये हमारे फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर थे. मीन्स हम इनपुट पर कुछ भी वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट हमें फिक्स वोल्टेज मिल रही है. लाइक 7805 है तो 5 वोल्ट मिल रही है, 7808 है तो 8 वोल्ट मिल रही है. यानी कि अगर हमें सेम आईसी से अलग अलग वोल्टेज चाहिए तो वो हम उससे नहीं ले सकते. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर एंड वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ LM317. दिस आईसी हैव 3 पिंस, आउटपुट, इनपुट एंड एडजस्ट पिन. ये इसका सर्किट डायग्राम है. इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं, इनपुट पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आउटपुट पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और आउटपुट और एडजस्ट पिन के बीच में और एडजस्ट पिन और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2. हम R1 और R2 की वैल्यू को चेंज करके आउटपुट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. अच्छा, इस आईसी की जो इनपुट रेंज है वो है 3 वोल्ट टू 40 वोल्ट DC एंड फिक्स आउटपुट ये हमें दे सकता है 1.25 वोल्ट से 37 वोल्ट तक. मतलब इन ऑल द केसेस द इनपुट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज. दिस इज द कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द R1 एंड R2 वैल्यू. वी आउट इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड 1 प्लस R2 अपॉन R1. तो सपोज कि हमें अगर 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट वोल्टेज, तो हम R1 और R2 की वैल्यू 1 किलो ओम एंड 3 किलो ओम रिस्पेक्टिवली सेलेक्ट कर लेंगे इसमें रख करके. अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए या 3.3 वोल्ट चाहिए तो हम वी आउटपुट की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे विच वैल्यू इज़ डिज़ायर्ड, एंड देन वी विल फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन R1 एंड R2. आफ्टर दैट वी विल एज्यूम द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस विल कम आउट. ज़ीनर डायोड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ज़ीनर डायोड का जो वर्किंग है हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. इसमें सपोज कि हमें एक 5 वोल्ट आउटपुट का रेगुलेटर बनाना है और इनपुट पे हमारे पास 12 वोल्ट है. अब हमको ज़ीनर डायोड इस्तेमाल करना है, तो ज़ीनर डायोड हमने एग्जांपल में 2 वॉट का ज़ीनर डायोड ले लिया. और सर्किट डायग्राम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सर्किट डायग्राम में हमने ज़ीनर डायोड लगाया है, इसके ऊपर एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको नाम दे दिया है RS, और एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसका नाम दे दिया है RL. सो
in no load condition, first of all, we will find out the maximum current which the Zener diode will draw in the no load condition. So we will use the formula wattage upon voltage. Wattage means voltage multiplied by current, V into I. So if we divide it by voltage, then we will get the current. So the wattage is 2 watt and we will divide it by 5 volt. Why? बिकॉज हमें 5 वोल्ट आउटपुट पर चाहिए और जिनर का जो दो टर्मिनल है हमारे कैथोड और एनोड इसी के अक्रॉस हमें 5 वोल्ट मिलेगा तो हमने 2 वॉट डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट किया तो हमें मिल गया 400 मिली एम्पियर यानी कि जो जिनर है ये सप्लाई से 400 मिली एम्पियर जब खींचेगा तभी ये आउटपुट पर हमें 5 वोल्ट दे पाएगा 400 मिली एम्पियर जो ये खींचेगा वही सेम करंट आरएस से भी होकर के पास होगी अब हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आरएस तो आरएस की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे निकलेगी कि वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से ही निकलेगी तो वी और आई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए वी मींस वो वोल्टेज जो कि आरएस के अक्रॉस मिलेगी हमें तो टोटल सप्लाई वोल्टेज वी एस माइनस वोल्टेज अक्रॉस जिनर That is Vs minus Vz, it is 12 minus 5 divided by 400 milliampere, so it comes 17.5 ohms. ये बहुत ही कम वैल्यू का resistance है तो इतनी वैल्यू का resistance हमको मिनिमम यहाँ पर लगाना है लोड करंट IL, if a load resistance is 1 किलो ohm, अगर हम 1 किलो ohm का लोड लगाते हैं तो हमारी लोड करंट कितनी होगी ये हम निकालेंगे यहाँ से ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर RL के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 5 वोल्ट और द रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर द लोड इज़ 1 किलो ओम सो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000 ओम इज 5 मिली एम्पियर सो 5 मिली एम्पियर विल बी द लोड करंट तो 5 मिली एम्पियर जब लोड करंट होगी और सप्लाई से हमें मिल रही है 400 मिली एम्पियर तो जिनर इस केस में 395 मिली एम्पियर करंट खाएगा यानी अपनी करंट 5 मिली एम्पियर कम कर देगा और ये 5 मिली एम्पियर करंट लोड को दे देगा लेकिन इन बोथ द केसेस इन द केस ऑफ नो लोड एंड इन द केस ऑफ फुल लोड द होल सर्किट इज कंज्यूमिंग 400 मिली एम्पियर करंट कॉन्टिन्यूसली सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ जिनर डायोड तो ये थे हमारे तीन तरह के वोल्टेज रेगुलेटर 7XX सीरीज 317 सीरीज एंड जिनर सीरीज इसके अलावा स्विच मोड पावर सप्लाई होती है SMPS टाइप की इसके ऊपर हम अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे थैंक यू सो मच